हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एमएस वर्ड 2021 का परिचय देंगे, साथ ही सीखेंगे एमएस वर्ड ओपन करना। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद उनके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे कुछ टूल होते हैं, उसका क्या यूज है और उसको किस नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड का यूज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, किसी स्कूल के बच्चे को टाइपिंग सीखनी हो, ऑफिस एम्प्लॉय को कंपनी का क्वार्टेशन बनानी हो, रिज्यूम बनानी हो या फिर बुक लिखनी हो, इन सभी के लिए एमएस वर्ड का यूज किया जा सकता है। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए आप स्टार्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखेंगे मेरे सामने फ्रंट पे ही एमएस वर्ड दिख रहा है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। अगर आपको फ्रंट पे लिस्ट में नहीं दिखता है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखेंगे एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, देखेंगे कि कुछ मल्टीपल फाइलें शो हो रही है। तो रिसेंट में वो फाइलें शो होती हैं जो इससे पहले आपने एमएस वर्ड की फाइल ओपन किया हुआ होगा और उस पर आपने काम किया होगा, फिर उसको आपने क्लोज कर दिया होगा। वो फाइलें रिसेंट में दिखेगा जो आपने इससे पहले ओपन किया होगा, और उस फाइल को आप यहाँ से ही ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट ऑलरेडी दिया हुआ होता है। मोड्स पे जाएंगे तो आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मिलेगा, जैसे रिज्यूम, कैलेंडर। तो अपनी जरूरत के हिसाब से टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं और उसमें चेंजेस करके डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रिज्यूम का टेम्पलेट चाहिए तो इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। बट एक चीज का ध्यान रहे कि अगर टेम्पलेट ओपन कर रहे हैं तो आपका नेट कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे रिज्यूम आपका ओपन हो गया है। आप अपने जरूरत के हिसाब से इसमें चेंजेस करके इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। फिर मैं यहां से वर्ड ओपन कर लेता हूं। अभी मैं यहां से ब्लैंक पेज ले रहा हूं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो दिख रहा है उसको टाइटल बार कहते हैं। आपकी फाइल का जो नेम होगा वो नेम यहाँ पे शो होगा, जिस नाम से आपने फाइल सेव किया होगा वो नेम टाइटल बार में दिखेगा, जैसे डॉक्यूमेंट वन दिख रहा है। उसके लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, उसमें कुछ ऑप्शन ऑलरेडी एडेड होते हैं, वो ऑप्शन जो बार बार यूज किया जाता है, जैसे फाइल सेव करना या फिर अंडू करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप चाहें तो अपने जरूरत के हिसाब से क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शन ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। जिस पर डबल क्लिक है उस पर क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, और जिसको ऐड करना है उस पर क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे रिबन दिख रहा है आपको, रिबन में मल्टीपल टैब है, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर एक टैब में अलग अलग कमांड दिया जाता है, जैसे यहाँ पे होम पे क्लिक, वो पेज ओपन है ऑलरेडी, इसमें कमांड है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। जब आप पेज ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट होम पेज सिलेक्टेड होता है। राइट साइड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिबन डिस्प्ले दिखेगा। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करते हैं तो आपका जो टैब और टैब का जो कमांड है वो हाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो फिर से वापस टैब और टैब का कमांड आ जाएगा। फिर अगर हम पेज पे क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है शो टैब्स ओनली। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ टैब शो हो और उसका कमांड शो ना हो, उसके लिए आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे सिर्फ टैब शो हो रहा है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये टैब शो हो रहा है, पर टैब के अंदर जो कमांड है वो शो नहीं हो रहा है। उस पे फिर आप क्लिक करेंगे तो उसका कमांड शो होगा। तीसरा ऑप्शन है ऑलवेज शो रिबन। इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका टैब और कमांड्स दोनों भी वो शो करेगा। उसके बाद ऑप्शन आता है हाइड क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे जो एक्सेस टूल बार है ना, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार हाइड हो गया है। फिर से इस पे क्लिक करेंगे तो वो शो होने लगेगा। राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है, जिसकी मदद से आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके अपने पेज को देख सकते हैं। बॉटम पे आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटस बार होता है। यहाँ पे आपके पेज का इंफॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल कितने पेज हैं, आप कौन से पेज पे वर्क कर रहे हैं और पेज में कितने वर्ड हैं। आप जैसे यहाँ पे पेज में देखेंगे
टोटल 2 पेज है और हम जो वर्क कर रहे हैं पेज 1 पे वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए पेज 1 ऑफ 2 दिखा रहा है। तो हम पेज 1 पे वर्क कर रहे हैं तो 1 दिखा रहा है, टोटल 2 पेज है तो 2 पेज दिखा रहा है, वर्ड 1 है तो वहां पे 1 दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइप दिख करूंगा तो वो वहां पे वर्ड्स 2 दिखेगा। तो आपके पेज से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे देता है, पेज काउंट, वर्ड काउंट और कौन से पेज पे आप वर्क कर रहे हैं। राइट साइड में यहाँ पे ऑप्शन आता है मिनिमाइज का, जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल मिनिमाइज हो जाएगी, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो ये ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो इससे आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। मैं यहाँ से मैं क्लिक करूंगा, वो आपसे डायलॉग बॉक्स आएगा और सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपको ये फाइल सेव करनी है या नहीं करनी है, तो मैं जो यहाँ पे सेव नहीं करनी है तो डोंट सेव पे क्लिक कर दूंगा, तो वो फाइल आपकी क्लोज हो गई। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।